हेलो गाइस गाइस, इस ब्लॉग में मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ ऐसे कुछ कि वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, क्योंकि यार मेरे को समथिंग 1 मंथ से ज़्यादा हो गया यार ब्लॉग बनाए हुए। रीज़न ये है कि मेरा हुआ था प्रमोशन और ट्रांसफ़र दूसरी जगह, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था अपने, और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट अभी टाइम निकालने की कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं टाइम निकालूँ ब्लॉग के लिए, ब्लॉग भी बनाने हैं। तो यार अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, समझ सकते हो कि यार नाइट शिफ्ट करके जब आते हैं तो दिन में नींद आती है भयंकर। और खाना वाना खा के नहा धो के रेडी हुआ हूँ, शाम के 5 बजने वाले हैं, फिर जाना है काम पे। इस वजह से यार मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। बट हाँ, अभी समथिंग 5-6 दिन के अंदर अंदर एक ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जो ब्लॉग बनाऊँ वो कुछ, अगर इतना टाइम दे दिया है मैंने उसको, इतने टाइम से नहीं बनाया ब्लॉग, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा ही ब्लॉग बनाऊँ, जिससे कि मेरी जो ऑडियंस है या फिर जो भी सब्सक्राइबर हैं, इतने ज़्यादा तो हैं नहीं पर फिर भी जितने भी हैं उनके लिए कुछ अच्छा बना के दूँ उनको। तो प्लान वैसे देखता हूँ मैं, कहीं अच्छी जगह जाने का है, घूमने का है, बाकी आपको भी दिखाऊँगा इस ब्लॉग में। तो यार कमेंट करके बताओ यार किस किस को ब्लॉग का इंतज़ार है। और मैंने माइक और ट्राईपॉड भी मेरे ऐसे ही रखे हैं जब से मैंने लिए हैं, बस एक ब्लॉग शूट किया था उससे केबल, और जब से ऐसे ही रखे हैं वो सारे। बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा हूँ ब्लॉग को अपना, और मेरा चैनल माइनस में जा रहा है यार। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, और जिससे कि मैं अगला ब्लॉग जल्दी से जल्दी बना पाऊँ। और कमेंट करके बताओ यार किस किस को इंतजार है मेरे ब्लॉग का। और मैं इस मतलब ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं, मतलब पहले ही बोल दी है ये चीज़ मैंने कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर पा रहा हूँ काफ़ी समय से, क्योंकि दोस्त वगैरह और कुछ बोल रहे थे कि यार ब्लॉग नहीं आ रहा तेरा काफ़ी समय हो गया। और मैंने यार इसीलिए ये शूट कर रहा हूँ कि ताकि उनको सभी को पता चल जाए कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ। तो वैसे जल्दी ही ब्लॉग शूट करूँगा मैं। बाकी ब्लॉग शूट करने का ना शूट करने का एक यही रीज़न था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें और समझें। तो जल्दी मिलता हूँ नए ब्लॉग में नए अंदाज में, तब तक के लिए बाय बाय।